गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला परिषद सदस्य हरीश उइके के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने हाल ही में वन विभाग के अधिकारियों को एक निवेदन देकर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने और आदिवासी किसानों को वन भूमि पट्टे के दावे देने की मांग की। किसानों द्वारा दिए गए निवेदन के अनुसार 2011 में राष्ट्रीय उद्यान के गठन के बाद से रामटेक और पारशिवनी तालुका के 108 गांवों में आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से चल रहे हैं। हालांकि जनजातीय किसानों को दावे और पट्टे प्राप्त करने के लिए नागरिकों ने सरकार को आवेदन जमा किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि उस जगह आग लगी थी। हालांकि वन विभाग के माध्यम से वन विभाग गरीब आदिवासी किसानों को धमका रहा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान में आ रहा है और आदिवासी किसानों को मैदान में मुंडारे और TCM नालियों को हटाने की धमकी दे रहा है। हालांकि इस मामले में संबंधित ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग को बिना कोई पूर्व सूचना दिए संबंधित आदिवासी किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसानों के पूछने पर ये जगह आपके पिता की नहीं है, ऐसी शिकायतें हैं कि वन कर्मचारी मामला दर्ज करने और जेल की सजा पाने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी किसानों ने यह भी मांग की कि वन विभाग द्वारा की गई जबरन कार्यवाही को तत्काल रोका जाए, अन्यथा संगठन एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। जिला परिषद सदस्य हरीश उइके ने चेतावनी दी है। कर्मधारकांना पट्टे मिळालेच पाहिजे, अतिक्रमणधारकांना पट्टे मिळालेच पाहिजे। अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने पे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।